हेलो गाइस, वेलकम। आरआरबी की तरफ से सिटी इंटीमेशन का मैसेज आ चुका है। बहुत से लोगों को अपनी एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी पता लग चुकी है और ये भी कंफर्म हो गया है कि 2 जून तक आपके सारे पेपर निपट जाने वाले हैं। मतलब कि 15 दिन है आपके पास पूरा सब कुछ कंप्लीट करने के लिए। ये डिमांड सारे एस्पिरेंट्स की तरफ से आ रही थी कि सर, बायोलॉजी हमने बहुत ही कम पढ़ी है या फिर बिल्कुल टच ही नहीं करी है, तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिससे हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो उनकी डिमांड पर हमने आरआरबी एक्सप्रेस की सीरीज लॉन्च की है, जिसमें हम सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस लाइफ साइंस के आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इनको देखा गया है कि ये आरआरबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। तो इस सीरीज के पार्ट फर्स्ट को हम लेकर आए हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आगे वाले आने वाली अपडेट्स को भी आपको पता लग जाए उसके बारे में। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेंड फ्रॉम फंगस, वायरस, फ्लोरिंग प्लांट या फिर बैक्टीरिया। तो पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से एंटीबायोटिक कौन है। तो पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है और वो फंगस से मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन, मिल्क इज यूनिक इन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, हाउएवर इट इज पुअर सोर्स ऑफ कैल्शियम, कॉपर, आयरन या फिर सोडियम। मिल्क जो है वो न्यूट्रिटिव है, पर इनमें से किसका पुअर सोर्स है? तो आयरन का पुअर सोर्स है मिल्क। गॉइटर और एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयरन, कैल्शियम या फिर पोटेशियम। इनमें से किसकी कमी की वजह से गॉइटर या फिर एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम हो जाती है? तो आयोडीन इज द राइट आंसर, आयोडीन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑयल सीड, कार्डेमम, गार्लिक, क्लोव या फिर मस्टर्ड। ये आप जानते होंगे कि ऑयल सीड जो है इनमें से वो मस्टर्ड है, डी इसका राइट आंसर है। विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पेरीफील्ड्स, कौन सी गैस जो है वो पेरीफील्ड से रिलीज होती है, CH4, H2S, CO2 या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है CH4, जैसे कि देख सकते हैं 2014 RRB KJEE एग्जाम में ये पूछा गया है। पायरिया इज द डिजीज रिलेटेड टू टूथ, नोज, गम्स या फिर माउथ। तो ये भी आपको पता होगा कि गम्स से रिलेटेड जो ये डिजीज है पायरिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई इज लाइक दैट ऑफ ए कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या फिर पेरिस्कोप। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैमरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो ह्यूमन आई है वो कैमरे की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज फॉर विच नो वैक्सीन हैज येट बीन डेवलप्ड इज एड्स, मीजल्स, टिटनेस या फिर टीबी। तो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर है एड्स, ये भी आप जानते ही होंगे। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस स्कर्वी, गॉइटर, एनेमिया या फिर निकिट्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गॉइटर। ये अभी क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि गॉइटर किसकी वजह कमी से होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कब इज ए बेबी एनिमल रिलेटेड टू टाइगर, बियर, लाइन, टाइगर, बियर, एलिफेंट, बियर, एलिफेंट, लाइन या फिर लाइन, टाइगर, कैमल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों टाइगर, बियर, लाइन। इससे रिलेटेड उनके बेबीज को कब बोला जाता है? द बॉडी फाइट्स इन्फेक्शंस विद द हेल्प ऑफ, इनमें से किसकी हेल्प से जो है वो बॉडी फाइट करती है इन्फेक्शन से? प्लाज्मा, गुड फूड, एंटीजन या फिर इम्यून सिस्टम। तो ये भी आप जानते होंगे कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। द हार्मोन विच इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्शन इज टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर पेरिथ्रोमोन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पेरिथ्रोमोन, डी इज द राइट आंसर। ये हार्मोन जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है रिप्रोडक्शन से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंसरी ऑर्गन, ईयर, नोज, टंग। ये भी आप बता सकते हैं, ब्रेन इज द राइट आंसर, ब्रेन जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन नहीं है। यूज ऑफ द डिस्पोजल्स सिरिंजेस इज यूजुअली एडवाइज्ड टू प्रिवेंट रेबीज, मम्प्स, एड्स या फिर कैंसर। इनमें से किसके बचाव के लिए जो है डिस्पोजेबल सिरिंजेस को यूज नहीं किया जाता है, एडवाइज किया जाता है कि नहीं यूज किए? तो वो एड्स है। DNA stands for, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि DNA की फुल फॉर्म क्या है, डीजेनरेटेड न्यूरॉन एक्टिवेशन, डबल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन, डायन्यूक्लिक एसिड या फिर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA की फुल फॉर्म है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसे वीडियोज को पाने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, राम वॉन्ट्स टू बाइट इन टू एन एप्पल, विच टाइप ऑफ टीथ विल ही यूज, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स या फिर मोलर्स। तो इसका सही आंसर है इंसाइजर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है, पोटैटोज, नट्स,
मशरूम या फिर मीट, तो इसका सही आंसर है पटेटो। पटेटो जो है वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है, बाकी सब प्रोटीन के सोर्सेज हैं। इनमें से ये भी पूछा जा सकता है कौन से प्रोटीन के सोर्सेज हैं, तो आप उन तीनों को जवाब दे सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज, रिंग वॉर्म, मम्स, रेबीज या फिर मलेरिया। तो रिंग वॉर्म जो है वो एक फंगल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश, जेलीफिश, लॉबस्टर, सेलमोन या फिर वेल। इनमें से कौन सी जो है वो एक फिश है, तो सेलमोन जो है वो एक फिश की प्रजाति है। कैटरपिलर इज ए कोकून, लार्वा, एम्ब्रॉय या फिर प्यूपा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, लार्वा। लार्वा है कैटरपिलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द लेप्रोसी डिजीज, लेप्रोसी डिजीज का इनमें से कौन सा रीजन है, मोनोसिटिस या फिर TMV, सलमेनला या फिर माइकोबैक्टीरियम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम। लेप्रोसी डिसीज की जो वजह है वो है माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट, टाइफाइड कॉजेज ड्यू टू गाइडिया या फिर क्लॉस्ट्रिडियम या फिर HIV या फिर सलमेनला। तो इनमें से किसकी जो टाइफाइड जो है वो किसकी वजह से होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सलमेनला, इसकी वजह से टाइफाइड होता है। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन सेल, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आसान भी है पर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। 46 जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो दो के पेयर में होते हैं, तो 23 पेयर, और इससे कभी कंफ्यूज ना हो जाइएगा आप। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट लार्जेस्ट मसल इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इनमें से कौन से पार्ट में सबसे बड़ी मसल जो है वो मिलती है ह्यूमन बॉडी में, इन हैंड, इन नितंब, इन नेक या फिर इन लेग्स। तो इसका राइट आंसर है इन लेग्स, लेग्स में जो है वो मसल सबसे बड़ी होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्लिकेशन ऑफ DNA ड्यूरिंग सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन साइटोकिनेसिस या फिर डाइकिनेसिस या फिर इंट्रोफेज या फिर टेलोफेज। इनमें से किस में जो है रिप्लिकेशन ऑफ DNA जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंटरफेज, इंटरफेज में जो है ऐसा पाया जाता है। रिकेट्स डिजीज इज फाउंड इन बोन, ब्लड, मसल्स या नन ऑफ द एबव। रिकेट्स जो है वो बोन में होती है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट इन इज नॉट एडेड इन केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर ट्रीज, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो ट्रीज के लिए होते हैं उनमें ऐड नहीं किया जाता है। फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन या फिर नाइट्रोजन। तो आयरन जो है वो न्यूट्रिएंट है जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूज़ नहीं किया जाता है। द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड एथनोलॉजी, एथोलॉजी, एथनोग्राफी या फिर एंटोमोलॉजी। इनमें से जो स्टडी है एनिमल बिहेवियर की उसको क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है एथोलॉजी। एथोलॉजी जो है वो एनिमल बिहेवियर को स्टडी को बोलते हैं। व्हाट डज होमोसेपियंस स्टैंड फॉर, 2015 में पूछा गया। ह्यूमन ग्रुप, ह्यूमन बींग, वाइज मैन या फिर टूल मेकर। तो ह्यूमन बींग को रिप्रेजेंट करने के लिए होमोसेपियंस कहा जाता है, प्रजाति का नाम है। द ब्रांच ऑफ द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलोजियोलॉजी या फिर पैलोबोटनी, पैलेंटोनोलॉजी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है जो कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स को दिखाता है, तो वो है पैलेंटोलॉजी, ये फॉसिल्स की स्टडी को शो करता है। तो इस तरीके से आज के जो है वो 30 क्वेश्चंस हम पूरे कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी हम लाने वाले हैं, आज ही हम पार्ट 2 भी इसका डिस्कस कर लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए हमारे, वहाँ पर आपको बायोलॉजी की और भी PDFs मिल जाएंगे अगर आपको इतने से काम नहीं चल पा रहा। पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको इसकी अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा करंट अफेयर्स पर भी थोड़ा ध्यान करिएगा, हमने अप्रैल और मार्च के भी करंट अफेयर्स अपलोड किए हुए हैं, उनको देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।